आपके वर्क प्लेस पर भी सी बी एस आ सकता है एंड रेड मार सकती है आपसे उसी टाइम पर आपका स्टेटस पूछा जा सकता है ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप ये सब करते हो तो आगे यहाँ पर आना भूल जाओ क्योंकि आपकी फाइल इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई होगी आप यहाँ पर नहीं आ पाओगे हे गायज वेलकम बैक टू माई चैनल द देसी ऑडिसी कैनेडा हमेशा से ही बहुत ही एक इमिग्रेशन फ्रेंडली नेशन रहा है इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को चांस दिया है यहाँ पर आने का पढ़ाई करने का यहाँ पर वर्क परमिट लेने का एंड अपनी लाइफ यहाँ पर बनाने का चाहे क्यों ना वो स्टडी का रूट हो या वर्क परमिट का रूट हो या कोई आप एल से यहाँ पे आ रहे हो वो रूट हो बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको एक्सप्लॉयड करने की कोशिश की है कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को है जो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है ऐसे कुछ एलिमेंट्स को जो है इस देश से निकालने की कोशिश कर रही है इन सब के बारे में बात करते हैं अपनी इस वीडियो में सो स्टे यून टिल एंड सो so, सबसे पहले तो हम बात करते सी बी एस ए के बारे में काफ़ी आप में से लोगों को उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा उसका फुल फॉर्म है कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी इनका काम यह है कि जो भी यहाँ पे इलीगली लोग आए हैं जो भी अपना स्टेटस मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनको अच्छे से पकड़ लें इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर पकड़े एंड वापस अपने देश भेज दिया जाए बट काफ़ी सालों से ये जो एजेंसी है इनके पास उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं था काफ़ी आसानी से लोग यहाँ पर आ रहे थे इवन इलीगली यहाँ पर आ रहे थे एंड ये उसको अच्छे से वेट नहीं पा रहे थे बट कंट्री में रिसेंटली काफी ज्यादा इमिग्रेशन हुई है काफी डिफरेंट तरीके से यहां पे लोग आए हैं चाहे वो रिफ्यूजी क्यों ना हो या फिर स्टूडेंट्स क्यों ना हो या पीआर क्यों ना हो या फिर इलीगल एलएमआई प्रोसेस के थ्रू ही क्यों ना लोग यहां पे आए हों तो अब जाके 2024 में सी बी के दिमाग जो है वहाँ उनकी बत्ती जल गई है एंड दे आर थिंकिंग दैट कि काफ़ी जो है पानी सर से ऊपर जा चुका है ऑन टॉप ऑफ दैट जो कैनेडियन सरकार है या फिर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर्स है मार्क मिलर है उन्होंने ये बोला है कि हमें यहाँ पे नंबर्स कट करने हैं एंड अगले कुछ सालों में जो आपको पिछली मेरी वीडियो से पता चली गया होगा कि पी के नंबर भी कट कर रहे हैं स्टूडेंट वर्क परमिट के नंबर्स uh, भी कट कर रहे हैं एंड टेम्प्ररी वर्क परमिट के नंबर भी कट कर रहे हैं तो ये जो ऐसे इलीगल रूट से आए हुए लोग हैं उनके नंबर भी ये कट करना चाहते हैं एंड उनको ये वापस अपने घर भेजना चाहते हैं रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रेड्स पड़ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे इनको आइडिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं फॉर एग्जांपल अल्बर्टा है या फिर नोवा कोशिया है काफ़ी ज़्यादा रेड पड़ रही है यहाँ पे गाड़ियों को रोक रोक के पकड़ा जा रहा है एंड उधर उसके अंदर से इलीगल इमिग्रेंट्स निकल रहे हैं रिसेंटली uh, एलबर्टा में ही ऐसी एक वैन को रोका गया था वहाँ पे पेंटर्स uh, से कार के अंदर उनको रिकगनाइज़ किया दैट देवर इलीगल इमिग्रेंट्स एंड नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेंड बैक सो अगर आप भी उनमें से कुछ एक हो जो यहाँ पे इलीगली रह रहा है नॉट इ लीगली दैट यू आर डूइंग एनी क्राइम बट आप अपने स्टे को ओवर स्टे कर रहे वे, वे हो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर हेयर ऑन अ विजिटर वीज़ा फॉर सिक्स मंथ्स एंड आप यहाँ पर सातवें आठवें महीने में बैठे हो एंड आप इलीगल कैश जॉब्स कर रहे हो तो आप भी सतर्क रहो भैया एक तो पहले आप इलीगल काम कर रहे हो एंड आपको अगर ये पकड़ लेंगे तो आपको एकदम से इमीडियटली वापस भेज देंगे इससे अच्छा ये है कि आप खुद ही इस कंट्री से निकल जाओ एंड लीगल रास्ते से यहाँ पर आओ हमने स्पॉट चेक के बारे में बात की बट साथ साथ में जो है ट्रक ड्राइवर्स को भी रोका जा रहा है क्योंकि इनको एक आइडिया है कि इलीगल ट्रक ड्राइवर्स भी है यहाँ पे जो कि विदाउट एनी वर्क परमिट या फिर विदाउट एनी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ट्रक्स चला रहे हैं सो so, उन लोगों के भी स्पॉट चेक्स हो रहे हैं एंड उनको भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल फाइलिंग की जा रही है अगर आपको ये लगता है कि आप ये सब कर सकोगे इस देश में क्योंकि यहाँ पे होते आ रहा है तो अब ऐसा नहीं होगा ये काफ़ी ज़्यादा जो है नकेल कस रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव हर्ड दैट लोग रिफ्यूजी क्लेम कर देते हैं तो आपको एक मैं आइडिया बता दूं कि रेफ्यूजी क्लेम करने से कुछ नहीं होगा अगर आप इन चीजों में गए आप रेफ्यूजी क्लेम फाइल नहीं कर पाओगे आपको कोई भी यहां पे कंट्री में रोकने का मौका नहीं मिलेगा ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप ये सब करते हो तो आगे यहां पे आना भूल जाओ क्योंकि आपकी फाइल इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई होगी आप यहां पे नहीं आ सो so, अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका वर्क परमिट खत्म हो गया या फिर आप ऐसे वीजा पे आए हो फॉर एग्जाम्पल विजिटर वीजा पे आए हो या फिर आप एल पे आ रहे हो आपका भी वर्क परमिट खत्म हो गया एंड आप अपना यहां पे जो है ओवरस्टे कर रहे हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर उनको पता चल गया कि आप यहाँ पे हो एंड आप मानो ना मानो उनको पता चल ही जाएगा आज नहीं तो कल डर डर में आप जी जियोगे उससे अच्छा ये है कि आप वापस जाओ आप अच्छे से जो है अपनी फाइल फिर से प्रिपेयर करो एंड इफ़ यू वांट टू कम बैक टू दिस कंट्री यू कैन कम बैक बट अगर इन उन लोगों ने आपने पकड़ लिया तो आपको जो है नाम ख़राब हो जाएगा एंड आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा सो so, अगर जो है आपका टाइम ओवरस्टे हो रहा है आप कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगी रिजॉल्व करने में फॉर एग्जांपल यू कैन कांटेक्ट एन इमिग्रेशन लॉयर एक रेप्यूटेटेड इमिग्रेशन लॉयर के पास जाओ अपना जो है केस बताओ लेट देम रिव्यू योर प्रोफाइल वो आपको एक रास्ता बताएंगे यहाँ पर लीगली रहने का एंड जो आपका स्टेटस है यहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट मत करो सो so, अगर आप इन लोगों में से हो जिन जैसे मैंने स्टेटस बताए थे आपको आपके पास सबसे बेस्ट तरीका ये है आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यू कैन गो बैक टू योर कंट्री वेर आर यू यूर कमिंग फ्रॉम आप अपना स्टेटस मेंटेन करो कि आप वॉलेंटरली यहाँ से गए हो आप अपनी होम कंट्री में जाओ अपने जो है क्रेडिबिलिटी पे काम करो आप फ्रेंड्स सीखो एंड ट्राई टू इंक्रीज योर पॉइंट एंड गेट इन द सिस्टम लीगली सो दैट आपके जो है एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ आ जाए देर आर डिफरेंट स्ट्रीम्स जैसे मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बताए रहा हूँ आप फ्रेंड स्ट्रीम में आ सकते हो आप ट्रेड स्किल्स में आ सकते हो आप हेल्थ सेक्टर में आ सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट पी पी के प्रोग्राम्स के थ्रू आ सकते हो बट ऐसे इलीगली यहां पे मत रुको आगे जाके जो आपका सपना है कैनेडियन ड्रीम है वो पूरा नहीं होगा सो so, सौ so बातों की एक बात अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो अपना ओवर स्टे कर रहे हैं यहां पे टाइम या फिर आप क्लोज वर्क परमिट पे थे आपका वर्क परमिट खत्म हो गया है या फिर आप पैसे देके इंडिया से एल एम आई देके एंड आप इलीगली यहां पे रह रहे हो सो so, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट पे कि जो है अपने यहाँ के लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है एंड सारे जो है इलीगल वर्कर्स मिनिमम वेज से भी कम पैसे पे जॉब कर रहे हैं दैट्स वाई दे आर टारगेटिंग द इलीगल वर्कर्स राइट नाउ एंड आई थिंक दिस इज़ अ राइट अप्रोच कि ऐसा चीज़ें हो रहा है ये अगर होगा uh, नकेल कसी जाएगी इन लोगों को वापस भेजा जाएगा तभी जो है यहाँ पर नॉर्मल स्टेटस पे लोग आए हैं या फिर जो अभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं इस देश में या फिर जो परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम से लोग आए हैं या फिर इधर के जो लोग हैं वो उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले जो इलीगली लोगों ने जॉब ले रखी है कम पैसे में काम कर रहे हैं कॉम्पिटिशन फालतू में बढ़ा रहे हैं उन लोगों को पकड़ लिया जाए उन लोगों को वापस भेज दिया जाए और इधर के अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल पाए आपके वर्क प्लेस पर भी सी बी आ सकता है एंड रेड मार सकता है आपसे उसी टाइम पे आपका स्टेटस पूछा जा सकता है आपका वर्क परमिट पूछा जा सकता है आपका स्टडी परमिट पूछा जा सकता है एंड अगर उनको कुछ मिल गया उनके हथे कुछ पड़ गया आपकी जो है वाट लगने वाली है सो so, अगर आप इन सब लोगों में से हो जिनके बारे में आई फर्स्ट ऑफ़ ऑल होप कि आप इलीगली uh, यहाँ पे नहीं हो बट अगर आप यहाँ पे हो इलीगली तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करो आप इमिग्रेशन लॉयर्स के पास जाओ आप वॉलेंट्रीली ये कंट्री छोड़ के अपने देश जाओ एंड फिर वहाँ पे जाके अपनी जो है अच्छे से फाइल बनाओ क्योंकि एक बार बारी अगर आपका नाम या फिर आपका पासपोर्ट इनके पास पड़ गया आपकी जो है पूरी लाइफ की जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी एंड आप इस देश में अच्छे से नहीं आ पाओगे इससे अच्छा ये है कि आप टाइम लो अपने आप को टाइम दो अपनी जो है फ़ाइल अच्छे से बनाओ एंड फिर इस तो so ये थी मेरी आज की वीडियो शायद कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि कनाडा जैसा देश प्रोजेक्ट किया जाता था कि यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत इजी है अब ऐसा नहीं है इमिग्रेशन पॉलिसीज काफ़ी टाइट हो रही है एंड जिन लोगों के स्टेटस जो चेंज uh, होने वाले हैं उनके लिए ये एक आई ओपनिंग सिनारियो है सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप आप शेयर uh, करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब टू माय चैनल द देसी ऑड आई विश यू द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड आई एल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो टिल देन Goodbye.